हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टी डॉट मी टू। तो आज के ब्लॉग में दो बड़े यूट्यूबर से मिलेंगे, एक तो पहले भी मिला लेकिन उनका भी है, और एक आदर्श है ना जो कि बहुत फेमस है फेसबुक पे, यूट्यूब पे। हम तो फेसबुक में बहुत देखा करते थे, इनकी कॉमेडी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारे भी है, बात बात करने में बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। तो अभी इनसे मिलेंगे और अच्छे से बातें करेंगे। सारे लोग इनसे मिल रहे हैं क्योंकि सारे लोग को बहुत पसंद करते हैं इनको बहुत ज़्यादा। तो अभी काफ़ी लंबा लाइन है तो हम यहाँ पीछे से ले रहे हैं, फिर उसके बाद इनसे मिलेंगे जाएंगे। और मिठू जी मिल लिए तो चलो हम भी मिलेंगे इसके बाद, बाकी सब लोग पहले मिल ले क्योंकि मिलना सबको है धीरे धीरे करके। गुड मॉर्निंग, तो सुबह हो गया है और यहाँ पे सब लोग गुड मॉर्निंग कर लिए, मैं सबसे लास्ट में कर रही हूँ। तो आज मैं सबसे मिलाऊंगी, तो मतलब मैं अभी कुछ लोगों को ही जानती हूँ, बहुत लोगों को तो जानते नहीं थे इस ब्लॉग में। आज चलिए बात करते हैं उन लोगों से और सबसे मिलाते हैं अपने ब्लॉगर में, मतलब आप लोग तो उनको जानते ही होंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इन लोगों को आप कौन कौन जानते हैं, किस किस को देखते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे बात करते हैं। चलो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ये हमारी बगल के गुड मॉर्निंग है। आप लोग मुझे तो जानते ही होंगे यार, कौन कौन जानता है कमेंट करना, जरूर जरूर जरूर, बहुत लोग जानते हैं। हाँ तो कमेंट करना ना भैया। चलिए गुड मॉर्निंग, इधर भैया, इधर इधर इधर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और उधर से भैया के ले लीजिए सलाद, कुछ आता ही नहीं है। अरे अरे दीदी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसके बाद ना कोई गुड मॉर्निंग मत बोला यार, मेरे को आदत हो गया गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये काफी से आती है चैनल से मैच हो रहा है इनका। और भैया का ले लीजिए सलातन, भैया का लीजिए, एक साल सोचते ही रह गए थे। भैया जी जोहार 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 जोहार, आप सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।
सुप्रभात। मैं मेरे को बात बता रहे हैं तुम लोग को, इनसे बात मत करना है। नहीं नहीं पापा, इन्होंने हीटर नहीं दिया। पापा उठे सुबह? नहीं पापा बोल रहे हैं जो बात है बोल रहे हैं। इनके पास से ले लीजिए जाओ। कोई इतनी, अरे इतने लोग के लिए खाने खाना लगता है। गुड मॉर्निंग, इस महीने हमारे यूट्यूब से 1.5 लाख डॉलर की आई है इनकम। बिग बॉस महीने के करोड़ों कमाने वाले ये शख्स। गुड मॉर्निंग दी, आप नहा लिए क्या? वाह नहा वहा के रेडी, आज जो हम नीचे चलते हैं। आप खा लीजिए। और यहाँ नाश्ता सब लोग कर रहे हैं, भैया तो उठते के साथ। यहाँ पे मिट्टी भी कभी हो गया, ये तो ब्रश भी कर लिए, बहुत अच्छा काम किया आप ब्रश करके। यस बाहर इतना सारा गार्डनिंग है। आपका मौसम 12 बजने वाला है और उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुहासा जैसा बना और यहाँ पे सारे लोग आ गए नाश्ता करने के लिए। तो अंदर चलते हैं, फ्रेश भी हो गए तो सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, फिर अंदर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होगा। बात के टाइम के है और यूट्यूबर यूट्यूबर शॉर्ट्स वाले हटा दो, शॉर्ट्स वाले नहीं है, कोई माय बाप नहीं है। शॉर्ट्स वालों को 24 मिले ना, मैं पहली बार देख रहा हूँ। 24 पता नहीं है मेरा नाम क्या आपका, मैंने कहा कितने सब्सक्राइबर है, 24 मिले, नाम क्या है? फिर वो ईशान अली है एक। हाँ। खुद का वीडियो नहीं है लेकिन दूसरे का वीडियो है। यही सुनना चाह रहा कितना अच्छा था, इसी से लिया तुझे मुझे समय। हम लोग कैमरा की बात करें किससे क्या लिया जाए। और यहाँ पे छत दिखाएंगे, हम छत नहीं आए थे तो हम आपको बैक से दिखाते हैं कितना कुहासा है। वहाँ पे इधर भी है रूम, यहाँ पे सोए थे लोग, आ सकते हैं ना कैमरा लेके। ये देखो, ये देखो कितना कुहासा है जी इधर। ये लग रहा है ठंड वाला मौसम पूरा यहाँ का, यहाँ पे आके लग रहा है थी। आ गए हम लोग ठंड वाले इलाका में। सो गाइस ये रहा छत से कुछ व्यू ऐसा। और हम वाओ कितना अच्छा लग रहा है, काफी ऊंचा ऊंचा में है ना। लेकिन ये और का बन रहा है अभी ना घर, लेकिन बहुत शानदार बनाए है ना, बहुत ही मस्त बनाए सचिन भैया, इतना अच्छा लोकेशन। और यहाँ पे जितने भी घर आप नोटिस कर रहे हैं सबके बड़े बड़े ही बिल्डिंग है, मतलब यहाँ पे काफी स्पेस है ना, तो सब लोग अपने हिसाब से बनाते हैं रूम, जैसे कि रूम के अंदर सब चीज है सब। ये बहुत अच्छा अच्छा है हरियाली, ये थोड़ा जमुई वाला नहीं याद आ रहा है, जमुई का मतलब जमुई में भी ऐसे ही होता है जी ठंड में, हम क्लास जाया करते थे ऐसे ही ठंड में। नहीं मेरा जमुई बिहार, ठीक है जिंदा नहीं रह, सही बात है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, काम चल रहा है, वही लोग रहता है पुलिस लोग, पुलिस लोग, पुलिस लोग नहीं है तो गाड़ी भी तो लगा है ना जी। हाँ सबका अपना अपना गाड़ी भी रहता है। हट हाँ वही तो लग रहा है। वाह चारों ओर वाह कितना अच्छा व्यू है, सच में बहुत ही अच्छा है। और नीचे भी सबसे मिले हैं, अभी फिर से रेडी होके फिर से मिलेंगे सब, सारे लोग से बात बात करेंगे। यहाँ का सच में व्यू पता है आपको, जब हम वहाँ पे पढ़ते थे 12th में क्लास जाते थे कुछ ऐसा ही सीन रहता था, ठंडा पूरा सुबह जाते थे, मतलब ये तो दोपहर का ऐसा सीन है, वहाँ सुबह का ऐसा सीन होता था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा, बहुत मज़ा आ रहा। अगर नहीं आते तो बहुत ज़्यादा मिस करते, पता है आपको कितना चीज़, मतलब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर लोग से मिले हैं जो कि हम लोग फेसबुक में देखा करते थे। आदर्श आनंद जी को हम देखते थे, पता है उनका कॉमेडी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो लोग से सबसे मिले बहुत अच्छा लगा। और दो चीज़ बहुत और ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब भैया भी यहाँ पे है, भाभी को तो मिस कर ही रहे,
प्लस रिया दी को भी मिले जो कि गैंगटॉक में मिले थे, फिर से मिले, वो बिल्कुल मतलब होता है ना फैमिली वाला टच आता है, तो सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? और बहुत कमेंट पता है क्या आ रहा था, रील्स में भी आ रहा था दिया ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, तो हम नहीं डाल देते, हमारा कुछ था प्रॉब्लम इसलिए ब्लॉग नहीं डाल देते, लेकिन अब से मेरा ब्लॉग आएगा क्योंकि अभी फिर से स्टार्ट करती है, फिर छोड़ देंगे तो और ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तो मेरा ब्लॉग अब आएगा। और चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत लोग अनसब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ फिर से स्टार्ट कर दीजिए सब्सक्राइब करना, हम ब्लॉग डालेंगे, मेरा रील्स भी आएगा, क्योंकि अब हम दूसरे यहाँ पे आके एक होता है ना एनर्जी मिला कि यार कितने पता है, एक सिर्फ मिलने के लिए यूट्यूब बनाने के लिए कितना दूर दूर से आते हैं, इतना पैसा खर्च करके, और हमारे पास है पता है कितना 40,000 रुपये खर्च किए पाने के लिए, मतलब इतने लोग कर रहे हैं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और हम मेरे पास है वो चीज़ फिर भी हम उसको मिस कर रहे हैं, जो कि भैया भाभी से हमको मिला है उस चीज़ को हम एकदम डाउन कर दिए, तो उस चीज़ को ख़राब लगता है, लेकिन अभी हम फिर से स्टार्ट करें। ऐसा नहीं, मेरे पता जब वीडियो नहीं डाल रहे थे तब मेरे ससुराल वाले जैसे कि मम्मी पापा तक एक दिन पीठा बना रहे थे, बोलते पीठा का वीडियो ही नहीं ले रही है, पापा जी मेरे कह रहे हैं, तो हम बोले कि उठ के उधर से आए, बोले कि लिए है बस थोड़ा सा ले लिया, बोले पूरा प्रोसेस लिया जाए ना, मतलब मेरे ससुराल में बहुत सपोर्ट करते हैं, मम्मी हो पापा हो, मम्मी तो आप देखेंगे रील में भी बनाती है, ऐसी सास तो सबको मिलती है, मिलना चाहिए तो अभी सब लोग रील वील बनाते हैं, और मेरे जो भी है देवर है ना सारे मतलब ठीक है, तो अभी का बस यहीं तक, आगे घर जाके अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे घर को भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे देख रहे सब बोल रहे तुम बनाओ तुम डालो तुम क्यों नहीं डाल रही हो जल्दी जल्दी, तो हमको लग रहा है कि हाँ मेरे घर में भी सब लोग ऐसे ही बोलते थे कि बनाओ डालो, और इस चीज़ को हम नहीं डाल रहे थे, तो ओके बहुत बातें छाती हो गई, बाय बाय, टेक केयर, अगला ब्लॉग हम लोग का फ्रेश फ्रेश हो जाएंगे तब आएगा, तो चलो बाय।